है पंजाब की टीम। लोगों को लग रहा था कि पंजाब बहुत अच्छा खेलेगी, शुरुआत में ही काफी पावरफुल अटैक यहां पर नितिन का लग चुकी है। तलब मंजिल की खुद को आग में छोकना होगा, ठोकरें कहती हैं कि जल जाएगा लेकिन हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब देखते हैं कि क्या कर गुजरती है पंजाब की टीम। नो लुक ड्रॉप, बहुत ही शानदार ड्रॉप, इस बार भी देखा होगा आपने, दिग्विजय ने कितनी बढ़िया तरीके से ड्रॉप किया। एक बराबर, अंकुर अपनी टीम को जो फिनिश था, वो जो फिनिशिंग पॉइंट था, जो फिनिशिंग टच था, वो नहीं दिला पाए क्योंकि पहले आगे चल रहे थे पंजाब की टीम। और इस बार तो साइड लाइन के अटैक किया और ये अभी डिसीजन पेंडिंग है। देखना होगा कि कितनी बारीकी से यहां पर इस पॉइंट को देते हैं। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आंख में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है जल जाएगा लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो ये मैच इस पंजाब के लिए कुछ इसी अंदाज में होता हुआ, क्योंकि मेरठ पहला सेट जीत चुकी है। बहुत ही शानदार अटैक नितिन का, शिवा इस बार कुछ कर नहीं पाए। एक अच्छे खिलाड़ी हैं शिवा की, बहुत अच्छी जंप है शिवा की। देखते हैं 11 नंबर की जर्सी में क्या कर गुजरते हैं शिवा का। काउंटर अटैकर के रूप में अपना बड़ा नाम यहां पर अभी उत्तर भारत में अभी करने वाले हैं। बढ़िया जंप है उनकी, ये अच्छा अटैक यहाँ पर राहुल का, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शॉट यहाँ पर। कहते ही शिवा ने यहाँ पर अपना कमाल दिखाना शुरू किया है। 3-2 दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है शाकिब, क्योंकि दर्शक जो है कल जो शाम को मजा लिया है शाकिब भाई, मजा आ गया और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि कल की जो शाम थी वो भूल नहीं पाएंगे दर्शक। जो मैच को मिला बहुत अच्छा अच्छा सुनने को मिला। ये कमेंटेटर का नजर लग गई, चौंटी सर्विस यहां पर की उन्होंने लेकिन नेट पे उलझ गए। सर्विस बहुत ही बढ़िया सर्विस यहां पर जुमती हुई और जुबेर का अटैक और ये भी साइड लाइन के बिल्कुल बाहर। 5-3 बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं दर्शक, कल से इंतजार है। क्या गजब की डाइव ली थी यहां पर राहुल ने लेकिन अंकुर यहां पर उनका साथ नहीं निभा पाए। राहुल तो पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिए थे। उड़ती हुई गेंद को उड़ते हुए अटैक करने का खेल है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में जो डिफेंडर होता है, जो लिबेरो होता है, सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगता है वही करता है। आपने देखा होगा कि जब डिफेंस करता है डिफेंडर तो उसका जो जंप है, उसकी जो डाइव है, उसकी हवा में जो उड़ता है, जो हवा में लुटपुट हो जाता है, और जब हम मैदान पर जाते हुए देखते हैं तो साफ नजर आता है लेकिन पूरा खेलने के बाद में जब मैदान में मिट्टी से लुटपुट होकर के जो मैदान से बाहर निकलता है तो वो अपना मेहनत सबको दर्शाता है उनका, और वो करता है सिर्फ लिबर। एक नंबर के जैसे इधर राहुल है और उधर विशाल और चौंटी। बढ़िया, अच्छी कोशिश, बढ़िया यहां पर, लेकिन इस बार बहुत ही शानदार शुभम डागर का अटैक है। 5-7 नितिन हल्की झूमती सर्विस यहां पे बैक सेट किया, लेफ्ट हैंड का बहुत ही अच्छा अटैक यहां पर, बहुत बढ़िया कलेक्शन। और डागर ने पूरी तरीके से अपने आप को बॉडी टर्न स्मैश कहा जाता है, इसलिए जब आप पूरी तरीके से बॉडी ऊपर पे टर्न करते हैं, एक ही तरह का स्किल है ये, लेकिन इसको कामयाब नहीं कर पाए। 8-5 पंजाब 8-5 पे है। मेरठ के और पंजाब 8
तीर से अटैक किया। यहाँ नितिन जी टैकलोक बढ़िया अटैक है अपोजिट हिटर के रूप में 7-9 का स्कोर और ये वाइप आउट करने में कामयाब। लेफ्ट का बढ़िया अटैक है और ये काफी शानदार शॉट यहाँ पर। हकीम रईस मेमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रथम है ये और पहला है और अब से लगातार होते रहेगा। बहुत ही शानदार आगाज इसका और जबरदस्त तरीके से चलेगा क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें और भी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक के टूर्नामेंट जाने वाला है क्योंकि 12-13 साल के बाद यहाँ पर कोई ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर कराया जा रहा है और युवाओं पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पुखराज भाई जिनके द्वारा ये प्रतियोगिता पूरे उनके क्लब के एचआरसी क्लब के जो संभल के सभी आयोजक हैं उनके तरफ से ये एक शानदार आयोजन रहेगा। अभी और 11-7 के स्कोर तो 4 अंकों की बढ़त यहाँ पे टीम मेरठ के पास है और पहला सेट हारी है मेरठ इससे पहले सॉरी पंजाब मेरठ ने पहला सेट जीता है और लगातार 2 सेट जीते हैं यहाँ पे इससे पहले। ओके ओके ठीक है ठीक है इस बार काफी अच्छी स्टैक यहाँ पे बहुत बेहतरीन जुबैर चौधरी बॉडी टच की और बहुत ही शानदार अटैक यहाँ पे और स्कोर 8-11। मेरठ की टीम अभी कोशिश कर रही है लेकिन 3 अंकों की बढ़त यहाँ पर है अभी भी पंजाब के पास। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर हल्का वॉलीबॉल देखने को मिला लेकिन इस बीच देखने को मिला कि कितना अनुभव यहाँ पर दिखाया अटैक की और बहुत ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं गई लेकिन रीच से बाहर 9-11। लाजवाब शॉट यहाँ पर दिग्विजय का शॉट बॉल थोड़ा सा मुझे उन पे एक थोड़ी सी कैचल कम थोड़ा नजर मुझे आ रहा है स्पीड जो होती है 12-9। जबरदस्त अटैक यहाँ पर ब्लॉक हुए फिर ब्लॉक हुए लेकिन उन्होंने अपने क्वालिटी और क्लास को छोड़ा नहीं शुभम जागर ने और अंतिम शब्द पर यहाँ पे क्रॉस कोर्ट अटैक 5-6 नंबर पे प्लेस किया 10-12। बहुत बढ़िया अटैक यहाँ पर अजय का 17 नंबर की जर्सी 13-10 का स्कोर। मैंने कहा था कि लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक लेंगे ठोकरें कहती हैं कि तू चल जाएगा लेकिन हौसले कहते हैं जो होगा देख लेंगे। बदौलत 3 अंक आगे है पंजाब और कोशिश की यहाँ पर तालियां बजा दें इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे अजय के लिए। मंजिल मिले या ना मिले ये मुश ही ना करें ये गलत बात है कोशिश की कामयाबी मिलेगी। 11-13 शिवा जबरदस्त जंप देखिए इदरीस भाई कितनी शानदार जंप है इस खिलाड़ी की 5 फीट 10 इंच हाइट है लेकिन जंप की अगर बात करेंगे तो इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक शैलेश और इसकी जंप बिल्कुल इक्वल 14-11। बिल्कुल लकी भाई ये कभी कभी गॉड गिफ्टेड होता है एक ऐसा लड़का है वो आजमगढ़ का सईद उसकी देखें हाइट इससे भी छोटा है वो लंबाई में लेकिन जब वो जंप लगाता है तो गड्ढी सी बन जाती है उसकी और नीचे वाली पट्टी से कम 5-6 इंच
पैर अपने ऊपर निकाल लेता है और ऊपर से प्रेशर डालता है, लोग तलाक नीचे रह जाता है। तो ये गॉड गिफ्ट है किसी किसी को, ऊपर वाले की तरफ से एक हुनर दिया जाता है जो किसी और के पास नहीं होता। ऐसे समय पर गैप को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी दिग्विजय ने वैसे बाल को भेज दिया था, लेकिन गलती हो गई और पॉइंट उधर मिला। बहुत ही बढ़िया भाई, निष्पक्ष तरीके से हमारे राहुल भाई डिसीजन देते हुए। थर्टीन फिफ्टीन दो पॉइंटों से आगे होते, दो पॉइंटों चेक आउट करवा दी इस बात, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। और अगर बात की जाए रिहान भाई की, तो रिहान भाई बड़ी खामोशी के साथ देख रहे हैं, बड़े मजे में। और अपनी नई नई दुल्हन को जब लाल कपड़ों में आई तो थोड़ी भी लाली पहनी थी, पूरा मैच मिला रखा था, तो उसे कह रहे थे ये। शायद कल भी मैंने ये बात कही थी, जो इन्होंने कल कही थी कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, और मैं सवाल बनता अगर तू जवाब होती, और मोहल्ले वाले जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता मगर मैं पी लेता अगर तू शराब होती। बहुत बढ़िया भाई, छोटी बोलती लेकिन अजय ने भेज दिया और गलती करने के लिए मजबूर कर दिया। स्कोर हुआ 17-14, 3 पॉइंटों की बढ़त है फिलहाल, लीड ऑफ 3 पॉइंट। इस बार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है, ये मैच इस टूर्नामेंट का पहला मैच बन सकता है अगर तीसरे सेट में पहुंचे। अभी तक जितनी भी हार जीत हुई सीधे सेटों में हुई है। फिलहाल बॉल को लिफ्ट कर दिया और शिवम ने निरुत्तर कर दिया, लाजवाब कर दिया, विदाउट आंसर कर दिया। इस बार इस सिचुएशन को कोई जवाब नहीं। 15-17, 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू इक्वल, 2 पॉइंट चाहिए बराबर करने के लिए, और पहला सेट जीत रखा है मेरठ ने। लेकिन इस बार अजय अपने मकसद में सफल नहीं हुए, इस मैच तो क्या, लेकिन हवाई था, सिर्फ एनर्जी लगी इसमें लेकिन किसी बेनिफिट के लिए नहीं। 16-17, 3 पॉइंट लगातार खो दिए पंजाब ने। बहुत ही बढ़िया भाई, हैट्रिक ऑफ पॉइंट्स, 15, 16 and 17, 3 पॉइंट्स कंटिन्यू 1-1 मैड बाई मेरठ। हेलो, बहुत ही बढ़िया भाई, दिग्विजय ने अपना मकसद हासिल कर लिया और पंजाब के लिए ये मैच ऐतिहासिक होगा, हिस्टोरिकल होगा, तारीख में दर्ज हो जाएगा अगर ये सेट जीत लेते। टूर्नामेंट से रिलेटेड जो वॉलेंटियर्स हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि वो इधर पानी की व्यवस्था करें, कमेंट्री बॉक्स में एक बोतल भेज दे पानी। और इसी के साथ बहुत बढ़िया भाई, स्कोर बोर्ड के ऊपर लिखिए, एक पॉइंट और बन गया उनका। सर्विस वेलकम फ्रॉम मेरठ साइड, अभी करेक्शन किया जा रहा है स्कोर बोर्ड में, तो पेपर स्कोर बोर्ड के ऊपर आप सही रखें। नहीं कोई बात नहीं, चलने दो, पेपर में हो रही है स्टोरी, चलते रहने दो, कोई बात नहीं, हो स्कोर पेपर स्कोर के ऊपर तो ओरिजिनल स्कोरिंग हो रही है। 19 बराबर है फिलहाल, और इसी के साथ 20-19, 20 and 19, ये दूसरा सेट दो और ढाई सेट है, इसमें करोयामरों की स्थिति है। पंजाब वालों सर्विस
इस बहुत ही वधिया नाल रिसीव किया सी, बहुत ही वधिया ब्लॉक सी दिग विजय दा। ते इस दे नाल ही 2 पॉइंटा दी लीड होने तो बाद स्कोर है 21-19 3 पॉइंटा दी लीड हुण तो बाद स्कोर है 21-19 जिसनों कि ने बहुत ही मजबूती नाल अपने हत्था दे विच अपनी मेहनत तो फड़िया हुआ है। बहुत ही बढ़िया भाई, हुण बहुत ही करारा जवाब दे दिता है शिवम डागर ने। ये मुंडा मेरठ तो बिलोंग करता है, 17 नंबर जर्सी दे विच। हुण 22 हो गया स्कोर, 2 पॉइंटा दी लोड़ हुण बराबर करन वास्ते। बहुत ही वधिया लिफ्ट कर दिता सी, लेकिन उते ब्लॉक थोड़ा सा कमजोर सी। इहदे नाल ही 2-3 प्लेयरां दे दिमाग दे विच उते कन्फ्यूजन सी, इस करके ए डिलीवरी डेड हो गई है। 23 पॉइंट हो गए ने, हुण 2 पॉइंटा दी लोड़ है जीतण वास्ते। बहुत ही वधिया ड्रॉप, सागर की जिनी तारीफ की जाए कम है। 21 पॉइंट हुणे हुणे बना लिता है। मार्केट एंड दो सर्विस सी, ये बहुत ही बढ़िया भाई। दिख भी देना कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। हुण 1 पॉइंट की लोड़ है, 24 बन गए ने, 25वां पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। 24 बन गए हैं, 25वां और आखिरी पॉइंट चाहिए जीत के लिए। देखते हैं 25वां अभी बनेगा या इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे सेट में चली जाएगी बात अगर 24वां इनका बन गया। बेहतरीन प्रयास किया यहाँ पर राहुल ने, राहुल मेरठ के एक गांव से बिलोंग करते हैं। गांव किसी कस्बे से कम नहीं है, बहुत बड़ा गांव है, लगभग 12,500-13,000 की जनसंख्या वाला गांव है। 22-24 स्कोर हुआ है फिलहाल, लेकिन सीधे बात चली गई। और ये पहला मैच है भाई, जोरदार तालियां इसके लिए। ये पहला मैच है जो तीसरे सेट में गया है, लेकिन इससे पहले अभी तक कोई मैच तीसरे सेट में नहीं गया। ये पंजाब की टीम को क्रेडिट जाता है जिन्होंने